This program is sponsored by Orient Pest Solutions Private Limited. Pests are smart, we are smarter. Co-sponsored by Nirman Concrete, the complete concrete solution. Co-sponsored by Shimla Biryani, Swad Zindagi Ka. 24 মার্চ 807তম উর্স মুকাদ্দাস অনুষ্ঠিত করেন প্রেসিডেন্ট ইরফান তাজ। হিন্দু মুসলিম জাতপাত নির্বিশেষে সকলের জন্য লঙ্গরখানা আয়োজন করা হয়। চাঁদা ছাড়াই এই অনুষ্ঠান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে ইরফান তাজ হাজার হাজার লোকের খাবার আয়োজন করে থাকে। আরও জানান, রমজান মাসে সকলেই অবশ্যই ভোট দেবেন এবং নিজেদের অধিকারের সাথে ভোট দেবেন এবং পছন্দসহিত প্রার্থীকে নির্বাচিত করবেন। উপস্থিত ছিলেন এমপি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এমএলএ স্মিতা বক্সি। तो ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का ये प्रोग्राम में हमारे कारी फजलुर रहमान जी हमारे सबके बहुत रिस्पेक्टेड है, उन्होंने आए थे। मोहम्मद शफीक साहब राजनीति का बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जो शुभकामनाएं जो मैसेज दे देते हैं आप लोगों को वो ध्यान से याद करना चाहिए जो उन्होंने बोलना क्या चाहते हैं, उनका दिल में है क्या, देश का स्थिति के लिए उन्होंने चिंतित है कि नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ा मस्जिद का इमाम होने से कुछ भी तो रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, तब भी उन्होंने बहुत प्यार से आज जो छोटा सा तकरीर में जो बातें कहे मैं बहुत ध्यान से सुना और उसको फॉलो करने के लिए मैं कोशिश करता था। से जो शीर ऊंचा करके चलना सीखा, ममता बनर्जी को हमारे चीफ मिनिस्टर को साथ लेके कदम कदम से इन लोगों को ऊपर प्रेशर दबा के कभी इनका शीर नीचा नहीं कर पाएंगे, ये इनको हम लोग बात का मैसेज दे सकते। हम लोग का ये भरोसा है, और जुनू भाई जो बोल रहे थे ये सीट एक नंबर है सब कोई का पास, सब कोई का यही देखना है जो ये सीट में कौन जीतता है। और सांप्रदायिक संपत्ति बजाय रखकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चलते हैं सब कोई, हम लोग जाति धर्म निर्विशेष में एक दूसरे का परिपूरक का हैसियत से, एक दूसरे का भाई भाई का हैसियत से हम लोग ये पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और ताज भाई का इमरान अली का तत्वावधान में ये काम ये कार्यक्रम होता है। ये उर्स के अवसर पर जिस तरीके से ये लंगर, ये तो हम लोग भी देखते हैं, हिंदू में हम लोग बोलते हैं भंडारा होता है, देव देवी का भी भंडारा होता है। यहाँ पर जिस तरीके से भंडारा बोलिए और लंगर बोलिए बात तो एक ही है। बहुत नेतागण यहाँ उपस्थित है, ये हम लोग को ताज जिस तरीके से काम करते हैं हम लोग सब इनका संग में है। स्मिता बख्शी जी भी बोले, सुदीप बंदोपाध्याय भी बोले, और झुंडू भाई तो दूसरा बात बोल दिए, झुंडू भाई बोल दिए, बात तो सही है। रमजान महीना में ऐसा चुनाव कर करके मुसलमान समाज को तकलीफ देने से कुछ नहीं है, मगर ये तो बेफिक्र रहिए, बंगाल में जो है सन्नी बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री वो मुस्लिम संप्रदाय को मुस्लिम समाज को तकलीफ देने में नहीं है। बहुत संघर्ष किया, बहुत संग्राम किया और अभी भी चाहता है कि ये रमजान महीना में इस तरीके से इलेक्शन नहीं किया जाए, मगर सभी संघ ने बोला और झुन्नू भाई ने बोला कि हम लोग ये भी एक तो काम है। आज लंगर खाना में जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हुआ है, हम लोग समाज को प्रतिष्ठित करने में जिस तरीके से एकत्रित होते हैं और हम लोग का धर्म में जिस तरीके से एकत्रित होते हैं उसी तरीके से चुनाव में भी एकत्रित होने पड़ेगा। रमजान महीना है ठीक है, रमजान महीना का जोश खोश है वो चुनाव में वोट देना है। अब सोचिए वोट तो उसको देना है, हम तो बोलेंगे नहीं इसको दीजिए उसको दीजिए, वोट अपना निज निज की बात है, वोट उसी को दीजिए जो संघ में था, जो संघ में है, जो संघ में रहेंगे उसी को वोट देना है। আজ কে উরুসের নেতা খাজা আমাদের যে উপর করে বেরা লঙ্গর খানা করে প্রত্যেক বছরই এটা হয় এবং
আমরা জানি যে এলাকার সাধারণ মানুষ এবং প্রত্যেকটা মানুষ একত্রিত হয়ে একসঙ্গে একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং এটা একটা মিলন উৎসবের মতো। এবং আমাদের এখানে অনেক অতিথিবৃন্দ ছিলেন, আমরাও ছিলাম। আমি চাই যেটা যেন প্রত্যেক বছর এখানে এইভাবেই এই লঙ্গরখানা সব মানুষকে নিয়ে চালু হয়। লোকসভা ইলেকশন, ইলেকশনের সময় কথা হবে, ইলেকশন নিয়ে তো এটা কোনো ইয়ে নয়, ইলেকশনের জন্য নয়, এটা প্রত্যেক বছরই হয়। এটা আর আপ দেখেন ইহাতে হাজারো হাজার আদমিয়নে খানা খাওয়া হয়। আমাদের যে মহল্লে কে বড়ে লোক থে, যে অহদেদার থে, ও লোক সব আ করকে হামলোগো দোয়া দিয়ে হ্যায়। আর আপ লোক কে থ্রু মাই এই মেসেজ দেনা চাহতা হুঁ দুনিয়া ওয়ালো কো কি দুনিয়া মে প্যার সে বড়া কোই মজহব নাই হ্যায়। হাম লোগো সবকো এক দুসরে কে সাথ প্যার মোহাব্বত কে সাথ রহনা চাহিয়ে, কিউকি প্যার জো হ্যায় প্যার সে হর এক কাম হো সকতা হ্যায়, নফরত সে কোই কাম নাই হো সকতা। ইসিলিয়ে হাম লোগ এক দুসরে কে সাথ প্যার কে রহে, প্যার বাঁটে। দুশ্মন দেখে জিন্দগি दो पल की है। इकबाल साहब का एक शेर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा दंगा भसाद के लिए कोई फायदा नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें और पूरे दुनिया में एक प्यार वाला मैसेज दें हम लोग, ताकि हम लोग सब सब इंसान हैं, हम लोग सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। नहीं, चुनाव का घोषणा नहीं हुआ, हम लोग क्या किए? हम लोग खासतौर पर मुसलमान लोग जो हैं, आज तक वोट हम मेरे जनरेशन के जो लोग हैं आज तक कभी भी रमज़ान के दौरान वोट नहीं किए, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है, हम लोग नमाज तिलावत रोज़े में इतना मशगूल रहते हैं कि हम लोग और दूसरे काम पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। और क्योंकि वोट देने के लिए सब काम छोड़ करके जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर लोगों के बीच एक क्यूरियोसिटी थी कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग मंच तक जाएँ, जाकर सबको वोट ज़रूर दें, आप अपना वोट दें, किसको दें नहीं दें वो आपकी मर्ज़ी, मगर वोट ज़रूर दें। 1947 में एक बार हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, इस बार भी आज़ादी मिलना चाहिए। फिरका परस्ती से, दंगाइयों से, चोरों से। मेरा नाम इरफान अली ताज है, मैं अफजल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए हम लोग कोई चंदा नहीं लेते हैं। हमारा जो ये टीम है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, हम लोग सब मिला जुला के प्रोग्राम करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने जो लंगर का एहतमाम किया है वो 10,000+ लोगों का खाने का इंतजाम किया। प्यार मोहब्बत के साथ नियत है, प्यार मोहब्बत के साथ खिलाना, आप लोगों से दुआ लेना। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी खा के दुआ देके जाएंगे।